नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको एडोबी इनडिज़ाइन के अंदर चेंज केस का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। और ये आप किसी भी एडोबी इन डिज़ाइन के किसी भी वर्जन में आप चेंज केस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चेंज केस से होता क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है। तो बहुत बार ऐसा होता है कोई डिज़ाइन बना रहे हैं या कुछ आप टेक्स्ट लिख रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं पहला लाइन कैपिटल में आए फिर बाकी स्मॉल में आए, या कोई वर्ड है जैसे यहाँ से चूजिंग अ लुक फॉर द सिलेक्टेड लिखा हुआ है, तो हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में आएगा, ए कैपिटल में आएगा, एल कैपिटल में आएगा, फॉर कैपिटल में आएगा। तो चेंज केस का इस्तेमाल करके आप इस तरह का टेक्स्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जिसको भी आप चेंज केस करना चाहते हैं तो पूरा पैराग्राफ को भी आप चेंज केस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर लाइन को भी आप चेंज केस के माध्यम से चेंजेस उसमें ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे टूल बॉक्स में जाइएगा और ये जो टूल है टाइप टूल, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये जो पहला जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा, अभी देखिए सारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं इसको पूरा लाइन जो है ये कैपिटल में आए। तो सिंपली आप पहले टाइप टूल में क्लिक कीजिएगा और पूरा का पूरा ये जो टेक्स्ट है क्लिक करके इस तरफ सेलेक्ट कर दीजिए जहाँ तक आप चाहते हैं पूरा का पूरा लाइन कैपिटल में आए। तो सिलेक्ट कर दिया, देख सकते हैं। उसके बाद ये जो मेनू बार है यहाँ पे जाइएगा, टाइप मेनू में क्लिक कीजिएगा और नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए चेंज केस लिखा हुआ है, और चेंज केस के सब मेनू में जाइएगा तो चार ऑप्शंस आपको शो करेगा। यहाँ देखिए दिख रहा है अपर केस, अपर केस में आप देख के भी समझ सकते हैं जो ये अपर लिखा हुआ अपर केस, ये देखिए यू कैपिटल है, पी कैपिटल है, ई कैपिटल है, आर सी कैपिटल है, सारा जो लेटर्स लिखे हुए अपर केस में सारे कैपिटल में। अब इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जो सिलेक्टेड वाला है सारा कैपिटल में हो जाएगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया, देख सकते हैं सारा का सारा जो लेटर्स है जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था सारा का सारा कैपिटल हो चुका है, देख सकते हैं। अब आप चाहते हैं आप सिर्फ एक लाइन या पर्टिकुलर पूरा पैराग्राफ को भी आप कैपिटल बना सकते हैं। अब हम लोग चाहते हैं जैसे ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बाय चूजिंग अ लुक फॉर लिखा हुआ है, अब हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट का डी बड़ा हो, टी बड़ा हो, बाय जो स्मॉल लेटर में है वो बड़ा हो, सी बड़ा हो, उसका ए बड़ा हो, पहला जो लेटर है वर्ड का, हर वर्ड का, जैसे डॉक्यूमेंट एक वर्ड है, टेक्स्ट एक वर्ड है, बाई एक वर्ड है, चूजिंग एक वर्ड है, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में आए। तो क्या करेंगे, इसको सिंपली आप सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक आपको कैपिटल करना है, सिलेक्ट किया मैंने। उसके बाद ऊपर जो मेनू बार आपको दिखाई दे रहा है टाइप में जाइएगा, फिर आप चेंज केस में आइए। जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा टाइटल केस दिया हुआ है, अब टाइटल केस जो लिखा हुआ है इसको आप देखिएगा ध्यान से, तो टाइटल में टी जो लिखा हुआ है वो कैपिटल है, केस का देखिए पहला लेटर कैपिटल है, तो ये देख के भी आप समझ सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा सी देखिए कैपिटल हो जाएगा, ए कैपिटल हो जाएगा, लुक का एल कैपिटल हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्लिक किया, ये देखिए डॉक्यूमेंट का डी कैपिटल हो गया, टेक्स्ट का टी कैपिटल हो गया, बाई का बी कैपिटल हो गया, चूजिंग का सी कैपिटल हो गया, ए कैपिटल हो गया, लुक कैपिटल हो गया। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं जो पूरा का पूरा जो है ये आप सारा का सारा जो हम लोगों ने कैपिटल किया इस तरह का फर्स्ट वर्ड जो है उसको कैपिटल किया, तो कैसे इसको स्मॉल में कन्वर्ट, स्मॉल लेटर में सारा का सारा हो जाएगा, जैसे नीचे सारा का सारा स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, सिंपल है, इसको पूरा सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप पूरा चाहते हैं तो ऑलरेडी नीचे वाला तो स्मॉल लेटर में है लेकिन ऊपर वाला देखिए कैपिटल में है, इसका वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में है, तो चाहते हैं पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में आ जाए, तो पूरा का पूरा इस तरह क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा टाइप टूल से। सिलेक्ट करने के बाद आप टाइप में जाइएगा, अगेन आप नीचे आइए चेंज केस में जाइए। अब देखिए यहाँ पे लोअर केस आपको दिखाई दे रहा है, देखिए लोअर केस सारा का सारा अगर लेटर्स अक्षर को देखिएगा, लोअर एल छोटा है, ओ छोटा है, डब्लू छोटा है, सारा का सारा जो लेटर है यहाँ पे लोअर केस जो लिखा हुआ है देख के भी आपको समझ में आ जाएगा सारा स्मॉल लेटर में, तो इसमें क्लिक कीजिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, सारा का सारा जो लेटर्स है, सारा का सारा जो अक्षर है सब देखिए स्मॉल लेटर्स में हो चुका है। अब हम लोग चाहते हैं कि सेंटेंस का जो पहला जो लेटर है, जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद, याद रखिएगा वाक्य जो भी हम लोग लिखते हैं चाहे हिंदी वाक हो चाहे इंग्लिश वाक हो, सेंटेंस हो, उसका पहला लेटर होता है कैपिटल, बड़े अक्षर से शुरू होता है लेटर से। तो जो फुल स्टॉप के बाद देखिए द सिलेक्टेड लिखा हुआ है, तो देखिए फुल स्टॉप के बाद टी छोटा है, उसी तरह देखिए मोस्ट टैब के बाद फुल स्टॉप दिया हुआ है,
उसके बाद मोस्ट लिखा हुआ स्मॉल लेटर में, तो हम चाहते हैं जहाँ जहाँ पहला जो सेंटेंस है वाक्य का पहला जो लेटर है वो कैपिटल आ जाए, सेंटेंस केस में आ जाए। तो पूरा का पूरा ये पैराग्राफ को सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद गौतम लिखा हुआ, तो ये हम लोग कैपिटल चाहते हैं, नीचे जो लाइन है ये कैपिटल चाहते हैं। सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद टाइप में जाइए आप, यहाँ पे नीचे आइए, चेंज केस में जाइए। अब देखिए सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में सेंटेंस लिखा हुआ वाक का पहला जो लेटर है वो कैपिटल आता है। अब जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, फुल स्टॉप के बाद या सेंटेंस जो पहला रहेगा वाक का जो पहला लेटर अक्षर जो रहेगा वो कैपिटल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब देखिए थैंक्स जो था यहाँ पे देखिए कैपिटल हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे फॉर के बाद फुल स्टॉप के बाद एक और सेंटेंस यहाँ पे, तो टी कैपिटल हो गया, द कैपिटल हो गया। उसी तरह टैब के बाद देखिए फुल स्टॉप हो गया, यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे देखिए यू जो है वो कैपिटल हो गया। उसके बाद टैब के बाद देखिए फुल स्टॉप के बाद ये मोस्ट जो लिखा हुआ है पहला सेंटेंस का पहला अक्षर वो कैपिटल हो गया। उसी तरह डायरेक्टली के बाद देखिए मैंने नाम लिखा हुआ है तो ये पहला अक्षर कैपिटल हो गया। उसके बाद मैं इंटर देखिए दूसरा एक लाइन स्टार्ट किया, यहाँ पर देखिए थैंक्स टी कैपिटल हो गया। तो इस तरह हम लोग चेंज केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सारा का सारा लेटर स्मॉल लेटर में हो जाए, सेम उसी तरह आपको टाइप में जाना है, चेंज केस करना है, उसके बाद लोअर केस कर दीजिएगा, तो ये देख सकते हैं इस तरह का सारा चेंज केस का इस्तेमाल करके आप चाहे तो सेंटेंस केस बना सकते हैं, लोअर केस बना सकते हैं, टाइटल केस बना सकते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं देखिए चेंज केस में। देखिए अपर केस में सारा लेटर कैपिटल होगा, लोअर केस में सारा लेटर जो है अक्षर है वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा। टाइटल में क्या होगा, हर वर्ड का पहला अक्षर, जैसे टाइटल का टी बड़ा है तो हर वर्ड का पहला अक्षर, जैसे चेंज लिखा हुआ इसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, टी कैपिटल होगा टाइटल केस में। और सेंटेंस केस में पहला जो वर्ड है वाक का पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग चेंज केस का इस्तेमाल करते हैं अडोबी इन डिज़ाइन के अंदर। और भी कुछ जानना चाहते हैं अडोबी इन डिज़ाइन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।